हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाइए। डियर, यहाँ जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है कैंडल वैक्स रिंग। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ डियर कि क्या आपके पार्टनर को आपके खामोशियों का उन पर कोई असर हो रहा है, उनको कोई फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप चुप हो, खामोश हो और अपने आप को बैलेंस कर रहे हो तो इसका असर आपके पार्टनर के ऊपर क्या हो रहा है। तो मैं यहां ये देखना चाहती हूं कि आपके पार्टनर को क्या असर हो रहा है खामोशियों का। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है डियर, और ये सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए है। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनिए और ध्यान से सुनिए। कलेक्टिव रीडिंग है डियर, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, जितना रेजोनेट करता उतना देखिए, बाकी को जाने दीजिए। जनरल रीडिंग है इसलिए पॉजिटिव होकर सुनिए और देखिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और खुद पर फोकस रहिए, ठीक है डियर। तो चलिए, मैं यहां देखना चाहती हूँ कि आपके खामोशियों का क्या असर हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर और उनके दिलो और दिमाग में, करेंट एनर्जी में क्या वो फील कर रहे हैं आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट भी हो सकता है डियर, सेपरेशन में भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, डिस्टेंस मुझे दिख रहा है डियर, और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, आपसे डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं डियर, वाह क्या बात है। लेकिन थर्ड पार्टी भी है, उन्हें भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। देखिए डियर, यहाँ पे आपके पर्सन खामोश है या आप खामोश हो, एक दूसरे से अगर बात नहीं भी हो रही है फिर भी इनको क्या असर हो रहा है इनके लाइफ में, इनको दिल और दिमाग में, एंजल्स गाइड कीजिएगा। देखिए डियर, फर्क तो पड़ रहा है भाई, आपके पर्सन को फर्क तो पड़ रहा है, आपकी खामोशी का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है आपके पर्सन को। ये कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूअर्स अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, और आप पहले की तरह इनके पीछे पड़ना अब छोड़ दिया है, खुद पर फोकस आप कर रहे हो। तो यहाँ कहने का मतलब होता है क्या डियर, कि जिस दिन आपने इनके पीछे भागना छोड़ दिया, अपने आप को रोक लिया, उस दिन उन पर असर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे यही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, इन खामोशियों ने इन्हें तोड़ दिया है, ये बहुत अकेलापन है इनके अंदर, एक खालीपन है, आपसे ना मिलने से, ना बात करने से, खुलकर ना इजहार करने से, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर ही अंदर ये चीज तोड़े जा रहा है डियर। यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी दिखी डियर, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी दिखी है, यहाँ पे वो आपके बिताए हुए लवों पलों को और आपके लवों को वो याद कर रहे हैं, यहाँ किसिंग एनर्जी मुझे दिखी है डियर, ठीक है, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है डियर, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनसे मूव ऑन कर दिया या फिर अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो डियर, ठीक है। इनको एक डर सा हो गया डियर, ठीक है, डर है, लेकिन अपनी गलतियों का भी कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ असर हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया डियर, ठीक है। आपने तड़पा, रोया, इनके बात को इन्होंने जैसा आपके साथ बिहेव किया, जो चाहे जैसे कुछ भी करवाया आपने किया, सिर्फ आपने किया, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनके इन्होंने किसी के साथ ऐसा किया, लेकिन आपने 100% उससे ज्यादा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने रोए भी, तड़पे भी, आप उनके पीछे भागे भी, प्रेयर, प्रार्थना, मैनिफेस्ट क्या नहीं किया उनके लिए, लेकिन उस वक्त इस पर्सन को थोड़ा भी असर नहीं था, लेकिन जैसे आपने खामोशियां बनाई हैं, इनको असर होना शुरू हुआ डियर, ठीक है। डियर, ये आपको बहुत ज्यादा स्पाइक करते हैं, हो सकता है मेरे व्यूअर्स आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हों, या फिर बिल्कुल चुप हो गए हों, या फिर इनके पीछे भागना मतलब भागना आपने छोड़ दिया, पैम्पर करना छोड़ दिया। जब भी डियर यहाँ देखा जाए तो आप ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते हो,
खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। कुछ व्यूवर्स ने उनके पार्टनर की एनर्जी ऐसा है कि अब ये बहुत खामोश हो गए हैं और ये अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, बहुत अकेलापन है डियर आपके बगैर। दिलो दिमाग में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ खुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर हो गया है डियर कि आप उनके हाथ से अब निकल गए हो, ठीक है। फर्क तो बहुत पड़ रहा है इस पर्सन को डियर, डर सा हो गया इस रिश्ते को लेकर। दर्द पेन में है पर्सन आपके, दर्द पेन में है क्योंकि वो बात इन्हें भी याद आ रही है कि जिस टाइम में आपने इनके पीछे रोया, गिरगिराया, तरपा, आपको इग्नोर किया, दर्द दिया, पेन दिया, हो सकता है कभी भी अशब्द बोले या फिर कई कभी भी आप हाथों से, कभी मुझे हाथ की एनर्जी आ रही है, फिर हाथ छुड़ाया, फिर आपको हो सकता है पुश किया, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ मुझे अच्छा यहाँ पे हो सकता है, आपको जैसे होता है धक्का देना, इग्नोर करना, मतलब आपकी बात को नहीं मानना, मतलब अजब सा फीलिंग हो रहा है डियर, ठीक है। आपके साथ कुछ व्यूअर्स का तो ऐसा हुआ है लेकिन आपने ठान लिया है, लेकिन प्यार आज भी है, लेकिन आपने खुद को अपने आप को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर खलबली सी मची हुई है डियर, और इन्हें लग रहा है कि मुझे खुद को बदलना होगा, ये आपको खोना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, इस पर्सन में जेलसी की भावना बहुत आई है डियर, ठीक है। इस पर्सन में जेलसी की भावना बहुत आई है, इन्हें लगता जितना आप खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, आपकी हर चीज इन्हें पसंद आती है क्योंकि आप खास हो, अब इन्हें जेलसी फील हो रही है। यहाँ पे आप मैरिड भी हो सकते हो डियर, ठीक है। यहाँ आप भी मैरिड हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर दोनों ही मैरिड या फिर दोनों ही अनमैरिड भी हो सकते हो। किसी के पार्टनर सिंगल भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, मेरे कुछ भी सिंगल भी हैं और आप मैरिड भी हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है डियर कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो। और यहाँ जेलसी की भावना बहुत रही इस पर्सन को, मतलब इन खामोशी का असर इस पर्सन को अब हो रहा है डियर। ये इनका ईगो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि आप उनकी विश हो, आपके बिना लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है डियर, बहुत मुश्किल हो रहा है। खुद पर फोकस आप कर रहे हो, असर इन पर हो रहा है क्योंकि आपने अगर मूड भी बना लिया है डियर कि मुझे इस पर्सन के पीछे नहीं दौड़ना है, तो देखिए क्या असर आता है डियर। यहाँ पे असर होना शुरू हो गया है। मेरे कुछ भी वर्ष अभी भी आप बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हो, तो आपके पार्टनर सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ भी यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में फील कर रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स, अगर आपको बहुत दर्द पेन मिल रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि या फिर आप बहुत ज्यादा आपको नींद आ रही है या फिर नींद आ नहीं रही है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो और आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपके पार्टनर दर्द पेन में है, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, दर्द दिया, पेन दिया है, अब इनकी बारी है, ठीक है। अब इनकी बारी है, इन्हें असर होने दीजिए। इस खामोशी का असर इन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें कुछ न कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है, या लॉस की भी एनर्जी हो सकता है, फाइनेंस में लॉस हो, करियर में लॉस हो, कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ लॉस की भी एनर्जी दिख रही है डियर, ठीक है। कुछ के पर्सन रो भी रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब आप उनके लाइफ में नहीं आओगे, आपने मूव ऑन कर दिया है, और इन्हें गिल्ट भी हो रहा है डियर। क्यों ना गिल्ट हो, जिस वक्त आपको इन्होंने इग्नोर किया, आपने रोया, गिरगिराया इस रिश्ते को लेकर, आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। अब इस पर्सन को खामोशी, कहीं ना आपकी खामोशी अंदर से इनको खोखला कर रहा है। ये दर्द में है, पेन में है डियर, ये कहीं भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं आपको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अगर आपने कोई फोटो कुछ भी डाला है, कुछ भी ऐसा कुछ डाल रहे हो, या फिर हो सकता है आपने कुछ खोला हो सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ये बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं और अंदर ही अंदर जल रहे हैं। अब ये देख रहे हैं सच में आप बहुत खूबसूरत हो और लाइफ में आप आगे बढ़ गए, अब मेरा क्या होगा डियर। इस पर्सन की तो अभी बाट लगी हुई है, अब इस पर्सन की बाट लगी हुई है, ये तड़प रहा है, रो रहा है, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन फिर भी खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन डियर, ठीक है। लेकिन अब उन्हें फर्क इस पढ़ने दिया, फर्क पड़ रहा है, जैसे आप तड़पे डियर, ठीक है, जैसे आप तड़पे हो उसी तरह इनको थोड़ा सा एहसास होने दीजिए, क्योंकि
आपके अंदर का जो दर्द पेन है, ये पर्सन को अब धीरे 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 सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी वैल्यू अप कर रहा है ये पर्सन, कि जब इन पर ये असर हुआ, ठीक है, इनको लोग तोड़ रहा है, आपकी खामोशी, आपकी आवाज इनको तोड़ रही है, तब आपकी याद आई है, ठीक है। हो सकता है आपको मेंटली भी टॉर्चर कभी किया है, ठीक है, फिजिकली भी, वर्ड्स भी कुछ ऐसे बोले जिससे आप, हो सकता है आपके पेरेंट्स को या फिर आपको कुछ ऐसे शब्द भी बोले हैं जिससे आपको बहुत बुरा प्रभाव आपके दिलो दिमाग पर पड़ा है डियर, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन को नहीं छोड़ा, आज भी दिलो जहां से प्यार करते हो, बट यहाँ पे असर ये है कि आप लाइफ में फिर भी आगे ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोग बैलेंस कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात डियर कि यहाँ आपके पर्सन को अब आपकी वैल्यू हो रही है, आपकी खामोशी का असर इन्हें हो रहा है, और बहुत ज्यादा आप पर ये फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइक करते हुए नजर आ रहे हैं। फर्क पड़ने दीजिए, दर्द पेन में है, बहुत अकेलापन है और ये बढ़ रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, ये उम्मीदें नहीं थी। यहाँ मुझे बहुत यहाँ पे दिख रहा है डियर कि आपके पर्सन ने आपसे फिजिकल भी बहुत हुए और आपको अशब्द भी बोले, इवन कि यहाँ आपके फैमिली मेंबर को, पेरेंट्स को, किसी को भी कुछ ऐसे अशब्द भी बोले जिससे आपने सुना, लेकिन बहुत गंदे ढंग से बात हुई है, ठीक है। मेरे कुछ व्यूअर्स, आप फिर भी सुने, बर्दाश्त किए, लेकिन इस पर्सन को आप छोड़ नहीं पा रहे हो दिलो दिमाग से, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ बोलूंगी मेरे कुछ व्यूअर, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, अवेकनिंग से आप लोग गुजर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है, यहाँ पे गुस्से की भी एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, जेलसी की एनर्जी है, अट्रैक्शन की एनर्जी है, बहुत ही इनके अंदर से वो एनर्जी फ्लो हो रही है कि आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, किसी तरह आपको मनाना है, विश, आप उनकी विश हो, ये इनको अब पता चल रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ये पता चल रहा है, कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इनको न्यूज मिली है, या फिर सोशल मीडिया पे, या फिर किसी तरह से इनके कानों में कुछ न्यूज मिली है डियर, जिससे आपके पार्टनर अंदर से तो अकेलापन है ही, और इनको अंदर से जेलिसी फील हो रही है डियर, जेलिसी, ये अंदर ही अंदर जल रहे हैं, और इन्हें डर हो गया है कि अब आप इनके लाइफ में नहीं आए तो इनकी पूरी लाइफ चौपट हो जाएगी। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है, दिल और दिमाग में बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं डियर, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, फिर भी ये कंट्रोल कर रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा कमजोरी क्या है डियर, इनको क्या लगता है कि आप, ठीक है, आपने मूव ऑन कर दिया, जो आपने इन्हें दिया ना, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं आपके पास आऊंगा या आऊंगी फिर आप वही प्यार दोगे, इन्हें ऐसा लगता है, इतना विश्वास है इन्हें, लेकिन आपके साथ इन्होंने जो किया वो नहीं याद है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी इस पर्सन में ईगो है, ठीक है, ईगो है, ईगो दिखाएंगे, बट ये अंदर से आपको चाह रहे हैं, दिलो जहां से चाह रहे हैं, ये शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये मजबूर हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए। अगर आप साथ में जॉब या काम करते हो डियर, ये पर्सन आगे पीछे मंडरा सकते हैं, आपको शो कर सकते हैं कि इसलिए कि आप बात करो, आप इनको देखो, मतलब इनको हीलिंग मिले, ठीक है, और आपको अट्रैक्शन हो और आप इनसे बात करो, तो ये आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है, ये आपको हो सकता है मिस कॉल मारे या फिर अचानक से कोई कॉल करे और काट दे, ठीक है, अनब्लॉक कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है, कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये पूरी तरह टूटा हुआ फील कर रहे हैं। देखिए डियर, शक की भी एनर्जी यहाँ इसलिए आती है कि अपने तो ये गलती कर रहे हैं, अभी पूरी तरह थर्ड पार्टी को भी ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, अभी जिनके साथ थे डियर, हो सकता है कि किसी से आपके छोड़ने के बाद किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ इवन कि फिजिकली भी हुए हैं ये पर्सन, ठीक है, ये फिजिकली भी पर्सन किसी के साथ हुए, यहाँ पे दिख रहा है डियर, मैं दिखा दूंगी कैंडल के बाद, यहाँ फिजिकली भी ये पर्सन किसी के साथ हुआ है, तो अब इन्हें एहसास हो रहा है कि उस पर्सन ने इन्हें चीट किया है, ठीक है, इस पर्सन ने इन्हें चीट किया है, अब इन्हें लग रहा है कि आप सही हो और वो गलत है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उन पर नजर थी और ये इनका दिल टूटा है, तो क्यों ना दिल टूटे डियर, क्योंकि आपका इन्होंने दिल तोड़ा, तो ये तो यूनिवर्स की प्लानिंग होती है कि तुम सच्चे प्यार की कदर नहीं करोगे, तो चलो मैं तेरे को देता हूँ, तू जाके देख कि तेरे सच्चे प्यार क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं, थर्ड पार्टी क्या होती है, तो सच्चे प्यार की कदर तभी होती है डियर, ठीक है। और अब ये डिप्रेशन में है, टेंशन में, थका हुआ, जेलसी फील करना, गुस्सा करना, फाइटिंग करना, अपना गुस्सा किसी पे उतार देना, बस अब आप चाहिए, अब आप चाहिए, बस यही एनर्जी है,
खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं डियर, ठीक है। ये जस्टिस मतलब जस्टिस आपने कोई मांगा हो, कमिटमेंट मांगा हो, ऐसी एनर्जी है, बट वो उन्होंने नहीं दिया, इग्नोर कर दिया और एकदम चुप्पी साध ली या फिर एकदम से ये गायब हो गए, ठीक है। और अब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ये सिर्फ सोचे कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ है डियर, मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने इनको चीट किया है तो इन्हें दर्द मिला है, ठीक है। और आपको ये दर्द दिया था इंसान, जब आप रो रहे थे, गिरगिरा रहे थे, तड़प रहे थे, तो ये पर्सन को कोई भी असर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये आपके दर्द, आपके पेन, आपके आंसू का हिसाब जो जस्टिस मिलता है ना, वो इसी तरह मिलता है। तो आपके पार्टनर को जो भी है, आपका जो भी खामोशी है, जो भी चुप्पी है, इनको तोड़ कर रख दिया है डियर। सबसे बड़ी बात, पहले आप कॉल किया करते थे, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड भी हो, कहां हो अभी, या मुझे बात करना है, तुम किसके साथ हो, दिस दैट, आपने बहुत किया, आप ये करो वो करो, नहीं करो, मेरे साथ रहो, आपने हो सकता है ऐसा किया, गुस्से किए, झगड़े किए, ऐसे ही हो सकता है आपने किया, इन्हें अच्छा नहीं लगा। और क्या हुआ कि इनको स्पेस चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था, क्योंकि ये फ्लर्टिंग कर रहे थे, लाइफ में कोई आया, लाइफ चेंज हुआ, तो इनका मूड भी चेंज हो गया। अब जब इनको चीटिंग हुई, धोखा हुआ, अब जब आपका खामोशी का असर हुआ, तब आप चाहिए। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है, खामोशियां हैं, खामोशियां आपकी तोड़ रही है, ठीक है, फील कर रहे हैं, बहुत फील कर रहे हैं। यहाँ अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है डियर, मैं दिखा देती हूँ अट्रैक्शन वाली आपको, देखिए डियर, आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए, अकेलापन बहुत है इस पर्सन को, यहाँ पे देखिए, ये आपकी एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल दिल है, अभी बहुत अकेलापन है, ठीक है, चीटिंग तो हुई है, आप देख लो डियर, यहाँ एक ही दिल बना है, आप देख लो, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक ही दिल बना है, देखो आप, बस एक ही दिल है, अकेलापन है, क्या करोगे, यहाँ पे अट्रैक्शन आपसे बहुत हो रहा है, बहुत ही अट्रैक्शन है, इस अकेलेपन को मिलकर आपके क्लोज आकर इन्हें अच्छी एनर्जी मिलेगी और ये दिल खुशनुमा हो जाएगा। अब मैं दिखा रही हूँ डियर, देखिए क्या हुआ थर्ड पार्टी के साथ, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जो भी किया, यहाँ पे दिख रहा है डियर, मैं दिखा देती हूँ आपको, दिख रहा होगा, ये थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत इंजॉय किया है, ठीक है, इस थर्ड पार्टी के साथ, देखिए अभी वो तो टूट कर गिर गया डियर, मैं दिखाने वाली थी, ठीक है, नीचे गिर गया, और इस पर्सन ने इनके साथ बहुत फ्लर्टिंग किया, आपको दिख रहा होगा डियर, मैं क्या बोलूं, दिखाती हूँ, देखिए इस पर्सन ने, आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली हुआ है, ठीक है, बहुत फिजिकल हुआ है, जब इनसे चीटिंग मिली, देखिए वन और टू, ये थ्री, जब इनको चीटिंग मिली, इनसे धोखा मिला, तो ये पर्सन अकेला हो गया, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वन टू थ्री, यहाँ पे आपके पार्टनर ने किसी के साथ थर्ड पार्टी को देखा या फिर पकड़े गए हैं, तो इनका ये हाल है, अब ये इनका दिल अकेला है, ठीक है, ये दिल अब आपको देना चाहते हैं, अकेलापन है, अट्रैक्शन है, तो इनको चीटिंग मिली है डियर, ठीक है, दिख रहा है ना आपको डियर, मैंने दिखाया, तो इस पर्सन को अभी अंदर अंदर आत्मा टूट रहा है, हो सकता है कभी भी आपको इन्होंने ब्लेम किया हो, है ना, आप पर शक किया हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है कि इनके साथ भी तो चीटिंग हुई है, देख रहे हो, इनके साथ भी तो चीटिंग हुई है, देख रहे हो, देखो वन टू थ्री, ये पकड़े गए हैं, इनके साथ चीटिंग हुआ, तो अब अकेलापन है, अब आपकी याद आ रही है, आपके क्लोज आना है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और ये अकेलेपन में ये दिल इनका रो रहा है। तो डियर देखिए, इस पर्सन की मतलब दिलो दिमाग में आप छा गए, क्योंकि इनके साथ चीट हुआ, जब आप गिर गिरा रहे थे, जब आप अकेलापन में थे, जब आप अकेलेपन में थे, आप गिर गिरा रहे थे, रो रहे थे, आपने बहुत कोशिश किया इस रिश्ते को बचाने का, तब ये पर्सन नहीं सुना, जब आपने अपने पर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को बंद कर लिया, उनको स्पाई तो कर रहे हो, कॉल मैसेज करना छोड़ दिया, झगड़े लड़ाई करना छोड़ दिया है, तब ये इस पर्सन को असर हुआ है डियर, देखा, असर तो पूरी तरह हो रहा है,
ये आपकी तरफ बात करेंगे डियर, ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि जैसी एनर्जी है ना अट्रैक्शन भी दिख रहा है, इस पर्सन को अट्रैक्शन भी दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो आपकी तरफ ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ ये एनर्जी निकल कर आ रही है। लेकिन अभी जहां है ये पर्सन, ये बुरी तरफ फंसे हुए हैं, ठीक है, ये पर्सन बुरी तरफ फंसे हुए हैं, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत सोच रहे हैं कि कैसे क्या करूं, दिल और दिमाग में इनकी फाइटिंग चल रही है, परेशान है, अकेलापन है। ये काम भी कर रहे हैं डियर, तो इनको काम में मन नहीं लग रहा है, रात में सो नहीं पाते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन डियर। तो देखिए डियर, ये आपके पर्सन की करेंट एनर्जी है और खामोशी इनको क्या असर कर रही है इनके लाइफ में, आपने देखा, आपको जैसा किया उनके साथ भी वैसा हो रहा है। तो चलिए डियर, ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, आपकी खामोशी का असर क्या हो रहा था आपने देखा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो मेरे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, और अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखिएगा, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। अवेकनिंग से गुजर रहे हो तो खुद पर फोकस रहिए, उतार चढ़ाव की एनर्जी रहेगी, ठीक है, कुछ लोग बैलेंस कुछ लोग अनबैलेंस रहेंगे, खुद पर फोकस कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ठीक है डियर। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।